अभी हॉकी के प्लेयर थे, इंडियन प्लेयर थे, उसके खेल में विश्व ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता के समय वो कैप्टन थे। झारखंड पार्टी को इन्होंने गठन किया और इसके बाद बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्ष पार्टी के रूप में 33 इनके नेतृत्व में 33 विधायक के रूप में। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। चूंकि हम लोग अभी टकरा में हैं और टकरा के नाम से आप जान भी गए होंगे कि टकरा एक महान हस्ती, एक महान व्यक्ति का गांव है। मैं उनका नाम बताना चाहूँगा कि मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी का गांव है। ये देखिए आप, हम सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं कि ये देखिए आज जो है मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी का प्रतिमा यहाँ लगाया गया है। उनकी मूर्ति देखिए, देख पा रहे हैं, लगाई गई है। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और स्थानीय विधायक खूटी स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा द्वारा संयुक्त रूप से आज मूर्ति का यहां स्थापना किया गया। और अब चूंकि ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये बगल से जो रोड गुजरी है, देखिए बाइक आ रही है इस तरफ, यहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर टकरा गांव है जहां जयपाल सिंह मुंडा जी का समाधि स्थल भी है। आज चूंकि इनका 120वीं जयंती मनाई जा रही है जयपाल सिंह मुंडा जी का, हमने गांव वालों से भी बात करने का प्रयास किया। मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के जो गांव के लोग हैं, मैंने उनसे भी बात करने कर उनके बारे में जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने भी इनके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। स्वर्गीय मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा का आज जो है हम लोग जयंती समारोह मना रहे हैं और हॉकी के प्लेयर थे, इंडियन प्लेयर थे, उसके खेल में विश्व ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता के समय वो कैप्टन थे और साथ में संविधान निर्माता के एक सदस्य भी थे। अच्छा, ये बताइए उनका जन्म किस गांव में हुआ था? हाँ, उसका जन्म टकरा ग्राम में ही हुआ था। पढ़ाई लिखाई अट से सबसे पहले तो यहीं पर टकरा में ही हुआ था, संत पॉल स्कूल टकरा, उसके बाद में रांची संत पॉल, उसके बाद में उसको इंग्लैंड ले जाया गया। हाँ, वहाँ से वापस लौटे तो उसके बाद यहाँ पर जो है क्या बने थे जी, पहले IAS अफसर बने, उसके बाद में यहाँ खूटी विधानसभा के विधायक भी रहे और उसके बाद सांसद भी बने। कितने बार विधायक? एक बार विधायक और एक बार सांसद। झारखंड पार्टी का गठन किया था उस समय बिहार झारखंड पार्टी को इन्होंने गठन किया और इसके बाद बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्ष पार्टी के रूप में 33 इनके नेतृत्व में 33 विधायक के रूप में इन्होंने अपना विपक्ष हुआ करते थे। हॉकी के बारे में कहा जाता है अच्छे खिलाड़ी थे, क्या जानते हैं? हाँ, हॉकी में तो अच्छे खिलाड़ी थे ही, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के कप्तान में वर्ल्ड कप जीता गया था, वर्ल्ड कप जीता गया था। अभी यहाँ उनका घर में, यहाँ गांव में कौन कौन रहते हैं घर में, या फिर उनके एक छोटा बेटा रहते हैं? कितने बेटे हैं? तीन थे, एक डेथ कर गए, एक दिल्ली में रहते हैं और एक अपना गांव में रहते हैं, सबसे छोटा जयंत जयपाल। अब वो क्या करते हैं? अभी भी वहीं पर वो, यह जो है स्पोर्ट एकेडमी के अध्यक्ष हैं, वहीं पर देखभाल करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा का गांव है, तो गांव में किस किस प्रकार से सुविधा है, क्या स्वास्थ्य सुविधा हो या फिर पेयजल? हाँ, अभी तक पेयजल घर घर पहुंचा दिया गया है और साथ में संसद भवन है, उसके लिए भी सुविधा है। फिर एक हॉस्पिटल बनाया गया है, उस पर भी डॉक्टर अवेलेबल है। उनका जो समाधि स्थल है वो तो ऐसे ही पड़ा, वो ऐसे ही केवल उसमें पत्थर चढ़ाया हुआ है। क्या उसका कोई विकास कार्य, उसको कोई मॉडिफाई नहीं किया गया? इसमें नहीं किया गया है, यहां किया गया जो है। चौक में आज उसका जयपाल सिंह का मूर्ति बना स्टैच्यू में तो खड़ा कर दिया गया है। आज है उद्घाटन हुआ, नहीं गया उधर? नहीं, हां। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो मार्शल कच्छप है, गाँव टकरे यहीं पर है। आप? मैं अनिल पुरते, हम खूटी से रहते हैं, खूटी से बिलोंग करते हैं।
चलिए हम बता दें कि जिस प्रकार से मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी एक हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, इनके नेतृत्व में देश ने हॉकी में हॉकी मैच का जो वर्ल्ड कप मैच भी जीता है, तो आज उनके याद में टकरा में जो है हॉकी मैच का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें काफ़ी सारी टीमों ने हिस्सा लिया है, महिला पुरुष दोनों के लिए जो है मैच रखी गई है, दोनों टीमों ने हिस्सा लिया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से खिलाड़ी काफ़ी उत्साह में है, उत्साह वर्धन हो रहा है खिलाड़ियों का यहाँ लोगों द्वारा, और अब जो है मैच की तैयारी की जा रही है। हम एक झलक क्योंकि हम आप साथ ही आपको बता दें कि यहाँ मैच दिखा देते हैं किस प्रकार से यहाँ मैच हॉकी मैच हो रही है। ये देखिए इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि हॉकी मैच का भी यहाँ आयोजन किया जा रहा है, और चूँकि हॉकी खिलाड़ी रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा जी, इनके नेतृत्व में देश ने हॉकी वर्ल्ड कप जो मैच हुआ था वो मैच भी जीता है। इसके अलावा बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा जी का इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये खुटी से एक बार विधायक एक बार सांसद भी रहे हैं, और तब जब देश का संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, और इनके सदस्य इनके टीम द्वारा जो है देश का जो है संविधान लिखा गया है। तो देखिए इस प्रकार से व्यक्तित्व के धनी और एक महान हस्ती जयपाल सिंह मुंडा जी, जिनका आज 120वीं जयंती मनाई जा रही है, और इनकी इस जयंती के मौके पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के लोग, अलग अलग गांव से लोग यहां पहुंच रहे हैं, काफ़ी संख्या में यहां भीड़ भी है, और इन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देखिए अब हम चलते हैं, इनका जो प्रतिमाएँ लगाई गई है टकरा गांव जो घुस रोड जहां टकरा के लिए रोड प्रवेश करती है सड़क, वहां ये उस सड़क के किनारे चौक जयपाल सिंह मुंडा चौक है, ये अब यहां यही चौक इनके नाम से ही चौक का नाम जाना जाएगा, और उस चौक पर देखिए फिर से हम चलते हैं जहां आज उनके प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये संयुक्त रूप से स्थानीय विधायक और केंद्रीय मंत्री के द्वारा, तो कुल मिला के अब देखिए हम मूर्ति की ओर प्रतिमा की ओर चलते हैं, आप मूर्ति भी कह सकते हैं, हालांकि मूर्ति कहना ये प्रतिमाएं बेहतर रहेगा। तो प्रतिमा पर जो है लोग एक एक कर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं लोग, शौक से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ये देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ। तो हम ज़्यादा और कुछ नहीं बताएंगे, हम जो कुछ लोग यहाँ उनके गाँव वाले बात लोग जो उनके गाँव के लोग बता रहे हैं मैं उनको भी आपको सुनवाता हूँ। साथ ही केंद्रीय मंत्री द्वारा उनके बारे में जो कुछ कहा गया, खेलों को बढ़ावा देने के बारे में जो कुछ बातें की गई, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। 1929 में भारत का नेतृत्व किया था, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहूँगा कि स्मृति की एक महक दुनिया को महसूस हुई है, उसे बरकरार रखने की आवश्यकता है अपने खिलाड़ियों के माध्यम से। हमारे खिलाड़ी अच्छे ढंग से उभरे, अपनी पहचान बनाए, ये खूंटी की धरती की परिचय, ये धरती वीरों की धरती, पराक्रमी की धरती, योद्धाओं की धरती है, और यह धरती ऐसे है जिसको आज दुनिया स्मरण करती है, नमन करती है। भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती है जिन्होंने उलगुलान का नारा देते हुए हम सबको सुदूरवर्ती जंगल में नेतृत्व किया, वहीं हमारे शब्द बनकर उभरे संविधान सभा में जयपाल सिंह जैसे खिलाड़ी। हम सब देश के समस्त आदिवासी समुदाय को एक मार्गदर्शन दिया। आज हम उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के दशक में देखा, और इसीलिए इस समय लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश भर में खिलाड़ियों को अभी आपने देखा होगा ओलंपिक एसोसिएशन जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा जो धावक है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को सही तरीके से रिकॉग्निशन मिले और इस देश में खेल को खिलाड़ियों के मानसिकता को समझते हुए कैसे प्रोत्साहन किया जाए इसका प्रयत्न चल रहा है। हमने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तरफ से अभी जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल बनाया है क्षेत्रवार अलग अलग खेलों के लिए चिन्हित कर रहे हैं। जैसे इस खूंटी क्षेत्र में जितने विद्यालय होंगे उसमें हॉकी को प्राथमिकता दी जाएगी, फुटबॉल को प्राथमिकता दी जाएगी, तीरंदाजी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरीके से देश भर के अन्य अन्य हिस्सों में जो हमारा देश के लिए और ये जो परिचय खास करके जनजातीय क्षेत्रों का खेल के प्रति रहा है उसको हम सही तरीके से उतार सके और मुझे आशा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों ने खेल में अपना इतिहास बनाया, हॉकी में हमने बहुत इतिहास बनाया, लेकिन और नया इतिहास बनाने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। उस दृष्टि से जिन लोगों से हमने, जिन खिलाड़ियों से आज हमने हाथ मिलाया है उससे आशा है और हमारी शुभकामना है कि अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर करके अपने जीवंत खेल का प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमेशा एक सितारे की तरह चमकते रहे और इस धरती का नाम रोशन हो, ऐसा उम्मीद के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं पुनः श्रद्धांजलि। चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज किस प्रकार से मनाई गई जयपाल सिंह मुंडा जी का 120वीं जयंती। अभी इस मैदान में होना है इस मैच में खिलाड़ी, अभी हमारे बीच में मंच में माननीय विधायक महोदय और तमाम जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं, कोच महोदय हैं, टीम मैनेजर हैं, सभी से Thank you.
Thank you.